लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो शोभा, कहाँ हैं आप? वो क्या है ना, मेरे दोस्त दिनशा वो अस्पताल में एडमिट हो गया है, मैं देर से वापस आऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वो अब कैसी है? अब उसकी हालत ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, शी इज ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। ओके जेसी। हाँ बेबी, वही आपको यहाँ पर लेकर आए, 3 दिन तक बहुत ख्याल रखा आपका, अगर वो ना होते तो क्या मालूम क्या होता आपका। आप 3 दिन से हॉस्पिटल में थे और ये कौन सा नया दोस्त है आपका? अश्विन को बुला लिया होता, आखिर वो भी तो डॉक्टर है। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, दिनशो बहुत अमीर आदमी है, उसका फैमिली डॉक्टर भी वहीं था, मैं तो बस उसके साथ था। चलिए अच्छी बात है आपने नए दोस्त बनाए हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें साइन कर दीजिए। कौन से पेपर्स? बताया तो था बाबा, ये घर हमें 1 तारीख तक खाली करना है, ये उसी के पेपर्स हैं, लीजिए। अभी नहीं, मैं दिनशो को लेकर बहुत परेशान हूँ, बाद में। यू नो शालिनी, पापा हमेशा कहते थे कि प्यार और दोस्ती की पहचान एक ही वक्त पर होती है। इट्स सो ट्रू। आई मीन इस अकेली जिंदगी में मैंने कितने दोस्त बनाए, हाँ हम ही नहीं और क्या हुआ, सिर्फ एक ही आदमी सच्चा निकला। मुझे लगता है कि तुम्हें जेसी से प्यार हो गया है या उसे तुमसे हो गया है। ये प्यार वर्ड ही बकवास है, प्लीज चेंज इट। जेनी, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, उतना और कोई नहीं जानता। बट वॉट यू आर सीकिंग इज इम्पॉसिबल, इट विल ओनली कॉज डिसअपॉइंटमेंट। सच है कि डिजायर्स, ड्रीम्स, ख्वाब, हसरतें बनाई है भगवान ने, पर दुनिया में कैसे जीना है बनाया है समाज ने, इंसान ने। प्यार में अकलमंद से अकलमंद आदमी भी बच्चा बन जाता है। क्या बात है, सब इतने चुप क्यों बैठे हो? आप दिनेश से ही पूछ लीजिए। क्या बात है दिनेश? बाबा वो ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। विल यू प्लीज शट अप। तुम दोनों शांत हो जाओ, एक सीरियस बात हो गई है। दिनेश के भतीजे राकेश की शादी राजेश की भतीजी श्वेता के साथ तय हो गई। उसके बाद जो हुआ वो तो बताइए। बताती हूँ। फिर दिनेश का एक लड़की के साथ अफेयर हो गया, वो बात लड़की वालों को मालूम पड़ गई और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसने सिर्फ मेरी ही नहीं राकेश की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लुक रेनु, ये मेरा पर्सनल मामला है। अब ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं ये सब कुछ सिर्फ बच्चों की वजह से सह रही हूँ। रेनु शांत हो जाओ तुम। बाबा आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। हाँ बाबा, अब आप ही फैसला कीजिए। बड़े शर्म की बात है कि तुमने अपने खानदान की इज्जत को दांव पर लगाया। अरे जिस आदमी के कैरेक्टर की मिसाल दी जाती है, जिस आदमी ने कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, आज उस आदमी के खानदान में से किसी ने इतनी गिरोही हरकत की है। मर्यादा और परंपरा हमारे खानदान के लिए अहम है, एंड आवर फादर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनरेबल मैन। मुझे गर्व है जस्टिस चैटर्जी की बेटी होने का, लेकिन मुझे शर्म आती है कि रिश्ते में तुम मेरे भाई हो। बाबा नाउ यू डिसाइड फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली। दिनेश, हमारे संस्कारों ने हमें सिखाया है कि खानदान और उसकी इज्जत की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी होगी, और ख्याल रहे इस तरह की हरकत और कभी ना हो।
The honor of our family comes first. That is the way it has always been. And that is the way it will always be. सुना तुमने? हेलो, मुझसे मिलना है। कब? आज शाम। बैंडस्टैंड। इट्स इम्पोर्टेंट। तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। हाँ, मैं समझ गई। क्या? कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं, और हमारी दोस्ती की गाड़ी को यही ब्रेक लगा दे तो अच्छा है, यही ना? स्टॉप इट बिफोर इट्स टू लेट। I understand, JC. I understand that you have a family and, you know, you have responsibilities and commitments that you have to stand by. I mean, it's different for me. I'm single and being single means having no family and... Jenny. I know you love me and you want to be with me, but it won't work. I mean, मैं तो पहले से ही कह रही थी. It just won't work. It'll create problems for you too. I guess so. You know, Shalini, meri saheli ne sach hi kaha tha ki dreams, desires, khwab, hasrate banaye hain bhagwan ne. Lekin is duniya mein kaise jeena hai banaya hai samaj ne, insaan ne. And you just can't fight it. अकलमंद से अकलमंद आदमी भी प्यार में बच्चा हो जाता है. इट्स सो ट्रू, इज़न्ट इट? एनीवे, द पॉइंट इज दैट आज से हम दोनों नहीं मिलेंगे. या वी जस्ट वोंट मीट. ओके, फ्रॉम टुडे वी वोंट मीट. लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी. क्या? इनकार मत करना, तुम्हें मेरी कसम. यू नो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी ये सोच कर कि आई विल टेल यू हाउ मच आई मिस्ड यू. लेकिन अब मैं तुम्हें दे रही हूँ ये कहकर कि I'll always miss you a lot. Please consider it a bribe. इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए. ये बना है किसी किसी के लिए. इश्क होता नहीं सभी के लिए. हेलो जेनी. यस, गुड मॉर्निंग. I just wanted to say. Yeah. Good morning. You're such a baby, JC. You know, just 14 hours back, you told me it was all over. And look at you. You're amazing. Why? Can't I call you? Of course you can call me. You're my friend. Taana mat do, Jenny. Don't be sarcastic. No, I'm not being sarcastic, JC. But I just think that... Listen, I have a friend with me right now, so I'll speak to you later. Take care.
इश्क का बुखार है, जब चढ़ता है ना उतरता ही नहीं। You know, I don't know if it's right or wrong, but I know he loves me. I can feel it. And you? I don't know. You have to know, Jenny. JC का प्यार सिर्फ एक infatuation है, एक पल की जिंदगी. It's just temporary. You really think so? I'm sure. Look, अब तुम्हें seriously अपने बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में. Take Ranjit for example. अपना रंजीत तुम्हें कितना चाहता है? रंजीत? लेकिन उसने मुझे कभी कुछ कहा नहीं. क्योंकि वो सही में प्यार करता है जेनी. मैंने उसकी गानों की डायरी देखी है, हर गाने के ऊपर जे लिखा है. जे जे जैसे कि हम ओम लिखते हैं. गॉश, आर यू किडिंग? ये आशिक होते ही मैड है. तुम्हें रंजीत के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए. मैं कुछ नहीं सोच सकती. तो ये सच्चाई मैं तुम्हें दिखाऊंगी. मैं बड़ी नाजुक है ये मंजिल. कहां से लाए? किसी दिल वाले दोस्त ने दिया है. क्यों, आपको इतराज है? चलो, दिमाग वालों को दिल वालों की कद्र तो होने लगी. हेलो शालिनी, कौन? जेनीज फ्रेंड. वेट प्लीज, तुम्हारे प्रिय बांधवीर फोन. हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर चैटर्जी, दिस इज शालिनी हियर, जेनी की बेस्ट फ्रेंड. हाँ, यस यस, हाउ आर यू? प्लीज जरा मेरी बात सीरियसली सुनिए, बहुत हो गया खेल तमाशा. जेनी एक तेज लड़की है, लेकिन उतनी बेवकूफ भी और भोली भी. Excuse me, I don't understand. मैं समझा नहीं. Nothing, sir. कल जेनी का बर्थडे है. Oh, really? आज मैंने जेनी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है. उसके सारे दोस्त और दुनिया वालों को मैंने बुलाया है. Then? जेनी की दुनिया में आज आप सबसे इम्पोर्टेंट है. आप नहीं आए तो लगेगा कि आधी दुनिया नहीं आई. यानी आज आपका पार्टी में सबके सामने आना बहुत ही जरूरी है. If you're in love, then take a stand. That's right. आज आप और जेनी साथ मिलकर केक काटेंगे. Listen, I'm sure you're an honest man and you will come tonight. Leave the rest to me. Are you afraid of something? No, no. I'll come. Thank you, sir. Hey Baba, see what I've got you. Kya? Ranjit Singh's new CD. Main aapko sunati hu. Sunao. Wah. Hey Baba, you're looking very smart. Kahan ja rahe ho? Meri girlfriend ki birthday party par. Aapki girlfriend hai? Haan. Kyun? Meri girlfriend nahi ho sakti. Nahi ho sakti. Aapki girlfriend nahi ho sakti. Ji. मैं आई कमेंट जज साहब के एहसानों का हिसाब चुकता करने आया हूं. मैं ये मेरी तरफ से उन्हें दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि क्यों लो? क्या हुआ? बाबा, आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा. ये क्या है? बाबा, आप ये सरकारी बंगला छोड़कर अगले हफ्ते पुणे जाएंगे. लेकिन मैंने कहा ना कि आपको इस बंगले का एक साल का एक्सटेंशन और चाहिए. हम लोगों को एक्सटेंशन नहीं चाहिए. ये मुंबई, ये जगह, ये बंगला हम सबको कल ही छोड़ना होगा. ये किसका फैसला है? मेरा. क्या मैं जान सकता हूँ ये इतना जरूरी क्यों है? जान सकते हैं. खोलिए और देखिए. What nonsense is this?
इंडिपेंडेंट के एडिटर तारिक अहमद ने भेजा आपके लिए। टेक अ लुक बाबा। तारिक अहमद कह रहा था कि ये सेंसेशनल तस्वीर और खबर कल के अखबार के कवर पे छपने वाली थी। 65 साल के रिटायर्ड जज जेपी चैटर्जी का अफेयर मुंबई की ग्लैमर गर्ल जेनी के साथ, लेकिन उसने रुकवा दिया। शायद किसी समय आपने कोई एहसान किया था उस पर, जो आपकी 45 साल की बनाई इज्जत को बर्बाद होते नहीं देख सका, इसलिए तस्वीरें मुझे दे गया। बस इतना बोला कि इज्जत बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक भूल की जरूरत होती है। 50 साल के ऑनर को खत्म करने के लिए 50 सेकंड काफी हैं बाबा, और गई इज्जत वापस नहीं आती। गलत कहा तारिक अहमद ने, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जजमेंट देने वाले जेपी चैटर्जी से आज उनकी अपनी औलाद इंसाफ चाहती है। आपकी तमन्नाओं के सामने आपकी जिम्मेदारियां हैं, देखना यह है कि आप किसे चुनते हैं, अपनी तमन्नाओं को या अपने परिवार की इज्जत को, योर फैमिली ऑनर और योर पर्सनल डिजायर्स। इट्स नॉट ऑन अस एनीमोर बाबा, इट्स ऑन यू। इफ यू वांट टू गो अहेड विद इट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। एक्चुअली डरिए मत बाबा, तोड़ दीजिए बंधन, छोड़ दीजिए हमें। जिंदगी भर आपकी वजह से सर उठाकर जिए हैं, आपकी तमन्नाओं के लिए बाकी की जिंदगी सर झुकाकर जी लेंगे। वी आर योर ब्रेव चिल्ड्रन बाबा। फैसला अब आपके हाथ में है, या तो ये पेपर साइन कर दीजिए या फिर चले जाइए जहां आपकी तमन्नाएं हैं, आपका प्यार है। Every man is the best judge of himself, and he has to pay the price for what he does. ये मैं नहीं, आप कहते थे। बोलो दिव्या, इतनी चिल्ला क्यों रही थी? सच भी कभी कभी क्रोध का रूप धारण कर लेता है। क्या मतलब? द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। खैर छोड़ो। अच्छा याद है ना, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ? आज तो खीर खाएंगे ना। हाँ? छोड़िए ना ये जॉगर्स पार्क वगैरह वगैरह, आज तो आपको खीर खानी ही पड़ेगी। Happy anniversary. Happy anniversary. Are you okay? La la la. Love me. La la la. बोर्डिंग का वक्त हो गया, हम चले? हाँ चलो। कृपया ध्यान दीजिए। हाँ थैंक यू सुब्रतो, थैंक यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आई बी डिलाइटेड टू अटेंड योर मीटिंग एंड एड्रेस द गैदरिंग एट एमबी वैली। हाँ नो, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट टेकिंग अ फ्लाइट टू पुणे एंड आई
जेसी, काश दैट्स जेसी। जेसी, हाय। जेनी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इट्स बीन 4 इयर्स। या इट हैज। ओह, दैट्स रंजीत। हाय। हाय यस, द फेमस सिंगर। ओह। एंड माय हस्बैंड। कंग्रेचुलेशंस। नाइस टू मीट यू। एंड दैट्स माय सन सत्य। आहा। और रंजीत, याद है तुमसे कहा था अपना फोर्थ बॉयफ्रेंड? हाँ। जेसी, दैट्स इट। एंड जेसी, वंस अगेन, दैट्स माय फिफ्थ एंड फाइनल बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड एंड फादर ऑफ माय चाइल्ड। हैप्पी? या वेरी। एंड यू? वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। माय फ्लाइट्स बीन अनाउंस्ड, आई हैव टू गेट गोइंग। यू टेक केयर। या You too. Yeah. Bye-bye. Nice to meet you.